सुप्रभात बच्चों, हमने पाठ दो वर्ण विचार के पहले भाग में क्या पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण ध्वनि के लिखित व मौखिक दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है, परंपरागत स्वर जिसे निर्नुनासिक स्वर भी कहा जाता है, नवविकसित स्वर जिसे अनुनासिक स्वर भी कहा जाता है, और आगत स्वर। तो आज हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग दो रूपों में होता है, नंबर एक स्वतंत्र रूप में और नंबर दो मात्रा के रूप में। जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द के प्रारंभ में, मध्य या अंत में स्वरों को उसके मूल रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम अ आ ई उ उसी रूप में ही प्रयोग करते हैं, जैसे आ म इधर, आओ खाइए आदि। अगर हम आम को आ की जगह उसकी मात्रा लगा दें आ और मा, तो ये गलत होता है, क्योंकि शब्द के आरंभ में कभी भी हम मात्रा का प्रयोग नहीं करते, हम उसके मूल रूप का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह से देखो इधर, इधर में हम इस ई को मूल रूप में लिखा हुआ है, अगर हम इसको मात्रा के रूप में लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। खाइए, अब इसके अंत में देखिए, अगर हम ए लिख देते हैं तो ये ठीक है, अगर हम इसकी मात्रा लगाते हैं तो ये अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं उसके प्रारंभ में, मध्य में या अंत में स्वरों को उसके मूल रूप में ही लिखा जाता है। आगे है मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग कैसे होता है, कि जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है, यानी कि पहले हमने स्वर को स्वतंत्र रूप में लिखा था, अगर स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं तब स्वर को मात्रा के रूप में लिखते हैं। जैसे देखो न ये व्यंजन है और इसके साथ हमने ई स्वर मिलाया, तो हमने ई की यहाँ पर मात्रा लगाया, क्या बन गया नी। जैसे प व्यंजन है उसके साथ हमने ऊ स्वर लगाना है, तो ऊ ना लिखकर मूल रूप में बल्कि हम उसकी मात्रा लगाते हैं। जैसे च के साथ ए, ए को मूल रूप में ना लिखकर उसकी मात्रा लगाएंगे ऐ के। ध्यान दीजिए कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सभी स्वरों की मात्रा होती है परंतु अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा मध्य भाग में जुड़ती है, जैसे अन्य स्वरों की मात्रा जो है किसी भी स्वर के ऊपर आगे या नीचे लगती है, परंतु ऊ की मात्रा जब र के साथ लगाते हैं तो हमेशा उसके मध्य भाग में लगती है। जैसे र के साथ ऊ, ऊ छोटा ऊ, तो उसकी मात्रा हम र के या मध्य भाग में लगा रहे हैं और इसको इस तरीके से लगाएंगे, और बड़े ऊ की मात्रा को हम यहाँ से मोड़कर और फिर लगाएंगे। छोटा ऊ र ऊ रू, और र को बड़े ऊ की मात्रा तो रू, इस तरह से उच्चारण होगा। नंबर तीन, यदि ई की मात्रा वाले व्यंजन से पहले स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित जैसे जिसे हम आम भाषा में कहते हैं आधा अक्षर, तो अगर स्वर रहित व्यंजन होता है तो ई की मात्रा स्वर से पहले वाले व्यंजन से पहले लगती है। जिस प्रकार देखो शक्ति, अब यहाँ पर क्या है त व्यंजन है और इससे पहले जो है स्वर रहित व्यंजन है, और हमने त को ई की मात्रा लगानी है, तो हम यहाँ से मात्रा न लगाकर जो अर्थ ये स्वर रहित व्यंजन है उससे पहले ई की मात्रा लगाएंगे। शक्ति, भक्ति। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम व्यंजन की जानकारी लेंगे कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो जिनके उच्चारण में के समय हवा रुक कर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन को भी तीन भागों में बांटा गया है। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब छूना, यानी कि जब हम जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं अगर हमारी जीवा मुख के अंदर किसी भी भाग को छूती है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके पांच वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं, अतः कैसे मैं तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको जिन वर्गों में बांटा गया है उस वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया। जैसे देखो क ख ग घ अडम, तो क वर्ग का नाम क वर्ग, यहाँ पहला वर्ण च है तो च वर्ग, च छ ज झ और अण, इसी से ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ,
म। इस तरीके से जो स्पर्श व्यंजन है उसको पांच वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण है, इसलिए कुल 25 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग यानी जीवा दूसरे अंग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति में होता है। अभी हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क्या था कि जीवा जो है मुख के किसी भी भाग को छू लेती है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में क्या कहा गया है कि जीवा जो है मुख के किसी भी अंग को अच्छी तरीके से स्पर्श नहीं करती है। और इनकी स्थिति कैसी होती है, स्वर और व्यंजनों के बीच में, बीच यानी कि अंत, तो इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या चार होती है और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। उष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से अत्यधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी उष्म हो जाती है यानी गर्म हो जाती है, यानी कि थोड़े से दबाव से जब हम बोलते हैं जिस व्यंजनों को तो उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजनों की संख्या भी चार होती है, श, श, स, ह। तो ये हमारे कुल जो हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन हुए, अंतस्थ व्यंजन में 4 और उष्म व्यंजन में 4 व्यंजन। आगे के पार्ट में हम संयुक्त व्यंजनों की लेखन विधि, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।